नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस के अजेकियो शहर में हुआ था। यह शहर कोर्सिका द्वीप पर है। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थी। एक अमीर परिवार में पैदा होने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। उन्हें एक सैनिक अफसर बनने के लिए फ्रांस की सैन्य अकादमी में भर्ती किया गया। सैनिक स्कूल में शिक्षा के बाद उसने 1784 में तोपखाने से संबंधित विषयों के अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। उसकी प्रतिभा को देखकर फ्रांस के राजकीय तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी। उसे 250 शिलिंग का प्रतिदिन का वेतन मिला करता था, जिससे वह अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करता था। उसके व्यक्तिगत गुण और साहस को देखकर फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उसका परिचय प्रगाढ़ होता चला गया। अब उसे आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। इसी बीच 9 मार्च 1796 को जोसेफाइन से उसका विवाह हो गया। नेपोलियन ने अपनी प्रथम पत्नी जोसेफिन के निसंतान रहने पर ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री मैरी लुइस से दूसरा विवाह किया, जिससे उसे संतान प्राप्ति हुई थी और वह पिता बन सका। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सर्डिनिया पर विजय प्राप्त करने हेतु गया। अपने युद्ध कौशल से उसने सर्डिनिया को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और सर्डिनिया का बहुत सा जीता हुआ क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया। नेपोलियन का अगला विजय अभियान ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके वहां के सम्राट कैंपो फोर्मियो को संधि की शर्तों को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना था। इसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को इंग्लैंड पर आधिपत्य करने हेतु भेजा, किंतु इंग्लिश चैनल की बाधा ने नेपोलियन को पराजय का मुंह दिखाया। नेपोलियन ने मिस्र को विजित करके पूर्वी एशिया में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों को भी अपने अधीनस्थ करने का निश्चय कर 1798 में 35,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ कूच कर दिया। उसने रास्ते में माल्टा, पिरामिड, सिकंदरिया, नील नदी की संपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया। अब वह भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश नौसेना की शक्ति के आगे नेपोलियन परास्त हो गया। बाद में फ्रांस की भूमि पर लौटने पर उसने अपनी राजनीतिक कुशलता से नवीन कंसुलेट सरकार की स्थापना कर स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया। 25 दिसंबर 1799 को उसने देश का नया संविधान लागू कर दिया। 1804 को सीनेट ने अपने प्रस्ताव में नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट के रूप में स्वीकृति दे दी। शासक बनते ही नेपोलियन ने देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रशासन, सैन्य और न्याय प्रणाली में सुधार किए। धार्मिक स्थिति में सुधार हेतु सर्वप्रथम नेपोलियन ने पादरियों के भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र को सुधारने, चर्च के विशेषाधिकार को समाप्त करने, अंधविश्वास की आड़ में जनता को मूर्ख बनाकर लूटने वाले पादरियों तथा चर्च की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नया संविधान लागू किया। माना जाता है कि 1814 तक नेपोलियन ने सम्राट के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए, लेकिन लिपजिंग के युद्ध के पश्चात उसे फ्रांस के सम्राट का पद त्याग कर देश निकाला मिलने पर एलवा द्वीप में रहना पड़ा। वहां से भागकर आने पर देशवासियों ने उसे पुनः सम्राट के रूप में स्वीकार किया था। 1815 में मित्र राष्ट्रों की मिलीजुली सेना से वाटरलू के युद्ध में उसे घोर पराजय का सामना करते हुए इंग्लैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्षों का यातनामय जीवन बिताते हुए नेपोलियन ने मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में यह लिखा था कि मुझे सोन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के बीच दफनाया जाए, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट की मौत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश मानते हैं कि उनकी मौत पेट के कैंसर की वजह से हुई थी। हालांकि कुछ मानते हैं कि वाटरलू की लड़ाई में हार जाने के बाद नेपोलियन को 1821 में सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था, जहां 52 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सन 2001 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने नेपोलियन के बाल का परीक्षण करके पाया कि उसमें आर्सेनिक नामक जहर था। यह माना जाता है कि सेंट हेलेना में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने फ्रांस के काउंट के साथ मिलकर नेपोलियन की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार नेपोलियन की बीमारी का जो उपचार किया गया था, उसी ने उसे मार दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।